भारत के सभी प्रधानमंत्री के नाम और कार्यकाल। एक, जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 साल 286 दिन। भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति। दो, गुलजारी लाल नंदा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964, 13 दिन। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। तीन, लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान नारा दिया था। दो, गुलजारी लाल नंदा, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 13 दिन, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। चार, इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 साल 59 दिन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। पाँच, मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, 2 साल 126 दिन। सबसे वृद्ध 81 वर्ष प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री। छह, चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 170 दिन। अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। चार, इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 4 साल 291 दिन। प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला। आठ, राजीव गांधी, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 साल 32 दिन। सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष। 9, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, 343 दिन। पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। 10, चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, 223 दिन। समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित। 11, पी वी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल 330 दिन। दक्षिण भारत से पहले पीएम। 12, अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन। केवल एक वोट से सरकार गिरी थी। 13, एच डी देव गौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, 324 दिन। जनता दल से संबंधित थे। 14, इंदर कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 दिन। व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम। 12, अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, 6 साल 64 दिन। पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। 16, मनमोहन सिंह, 22 मई 2004 से 26 मई 2014, 10 साल 2 दिन। पहले सिख प्रधानमंत्री। 17, नरेंद्र मोदी, 26 मई 2014 से अब तक। दूसरे गुजराती पीएम, पहले मोरारजी थे। चौथे पीएम हैं, जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे।